नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी को लगभग पता चल चुका होगा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के मेरिट बेस फॉर्म 2023 के लिए आ चुके हैं। फॉर्म भरना शुरू हो गए। फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, कब तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे, नई कॉलेज की लिस्ट क्या है। तो एक बात ध्यान रखना कि पिछली साल से इस साल यहाँ पर काफी बदलाव किए गए। कुछ बदलाव हम आपको बता भी चुकी हूँ पीछे वीडियो में, कुछ आपको आगे भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर इसी वीडियो में। और यहाँ पर नए कोर्स भी ऐड किए गए हैं। कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, कैसे जाने कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, यह सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के कि मैम कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा रहेगा, कैसे हम जाने। तो ये भी हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। और यहाँ पर फॉर्म जो है वो आप कैसे ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं साइबर कैफे के पास। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना है कि फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए। ये फोटो आप ध्यान से जब भी खिंचवाए तो बहुत ही अच्छे से खिंचवाएगा। आप चश्मा या कैप न लगाए हो, इस बात को भी ध्यान रखें। जो भी बच्चे चश्मा या कैप लगा के फोटो खिंचवाते हैं वो मत खिंचवाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान्य नहीं है। और फोटो जब भी खिंचवाएं तो आपका नाम उस पर डला होना चाहिए, और नाम के साथ साथ आपकी डेट भी डली होनी चाहिए जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई है। यहाँ लिखा भी है कि अभ्यर्थी की नवीनतम रंगीन फोटो 1 जून 2023 के पूर्व की न हो। फोटो के नीचे अभ्यर्थी का नाम व फोटो खींचने की तिथि अंकित जरूर होनी चाहिए। जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई उसकी फोटो की डेट डलवा लें। और साथ ही साथ फोटो जब भी खिंचवाएं तो एक दो नहीं खिंचवानी है, आपको एक साथ 10 फोटो खिंचवानी है, जो फॉर्म के टाइम भी आपकी लग जाएगी। जब आप एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तब भी यही फोटो आपको लगानी होगी। तो एक साथ आपको 10 फोटो खिंचवा लेनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने हस्ताक्षर जो है बहुत ही अच्छे से करने हैं, हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है बहुत ही अच्छे से करने, स्कैन करके आपको उसमें लगाने होंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो एक्टिव हो, जिसपे कोई मैसेज या उधर से आता है तो आपके पास आ जाए। ऐसा नहीं कोई नंबर बंद है या ईमेल आईडी आपकी चल नहीं रही, वो ईमेल आईडी यदि आप लगा देते हैं तो आप ही को नुकसान होगा वहां पर, ठीक है, नहीं तो आपके फॉर्म के रुपए जा सकते हैं। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ओरिजिनल मार्कशीट अपनी लेके जाए साइबर कैफे के पास और उसी से अपना फॉर्म भरवाएं। 10th के हिसाब से आपका फॉर्म भरता है, 10th में जो नाम होता है पता होता है वही आपका पूरा डिटेल वहां पर लिया जाता है। और 10th और 12th की परसेंटेज, 10th और 12th की परसेंटेज जब भी आप फॉर्म को भरें तो चेक कर ले एक बार जरूर अपने कि कहीं भरने वाले ने सही तो गलत तो नहीं भर दिए। उसमें परसेंटेज का सबसे बड़ा रोल है। यदि आपकी नंबर ही सही से नहीं भरे जाएंगे तो परसेंटेज सही नहीं निकलेगी, और परसेंटेज यदि आपकी सही नहीं निकलेगी तो आपको हो सकता है कि सीट आगे चल के ना मिले, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम है वो बहुत ही नीचा चला जाए। तो आप 10th और 12th की परसेंटेज को बहुत ही ध्यान से भरवाएं वहां पर, ठीक है, एक बार चेक कर ले खुद भी। और उसके बाद आपका क्या है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यदि आप ओबीसी स्टूडेंट हो तो आप क्या करिएगा, नया जाति बनवा लीजिएगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 का यदि आपका जाति प्रमाण पत्र है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 का ईडब्ल्यूएस हो, और ओबीसी वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2023 का ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी के जो SC ST है उनका 1-2 साल का हुआ तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर यूपी का है तो आप यूपी का निवास प्रमाण लगा सकते हो, और नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपके 10th और 12th की मार्कशीट या दोनों आपने यूपी से किए हैं, 10th और 12th आपने दोनों यूपी से किए हैं तो उससे भी आपका काम हो जाता है, और ये लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म भरने की डेट क्या अंतिम, तो इसके फॉर्म भरने की जो तिथि अंतिम वो 27 सितंबर है। 27 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कैसे फॉर्म भरोगे अभी हम आपको आगे चल के बता रहे हैं। इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज जुड़े हैं, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो देखिए सबसे पहले हम आपको कोर्स की लिस्ट दिखा देते हैं कि 2023 में यहाँ पर कौन कौन से कोर्स ऐड किए गए हैं और किसकी कितनी सीट से है और कौन सा कोर्स कितने साल का है। तो यहाँ पर जैसे पहला आपको कोर्स दिख रहा होगा सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी इन ट्रामा केयर असिस्टेंट, ये केवल 6 महीने का कोर्स है और 50 सीट्स आपकी है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर टोटल जो कोर्स आपके हैं वो 27 कोर्स हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, सैनिटेशन, रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, ओटी टेक्नीशियन, एमआरआई, लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार से यहाँ पर 27 कोर्स आपके ऐड किए गए हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कोर्स कोर्स की जो सीट्स हैं किन किन कोर्स की है, तो जैसे आपका लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 1270 के करीबन है। और उसी के बाद एक्सरे टेक्नीशियन की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं जो आपकी लगभग 839 सीट्स हैं। उसके बाद आपकी जो सीट है वो ओटी टेक्नीशियन की है, ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर 688 सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोर्स आपके हैं जो नए कोर्स, यहाँ पर काफ़ी नए कोर्स भी ऐड किए गए पिछले साल से और आपके कुछ पुराने कोर्स भी यहाँ पर हैं, ठीक है। और बाकी की इनकी ट्यूशन की फीस बात की जाए कि इनके कितने रुपए लगेंगे प्रत्येक कोर्स के, तो सभी कोर्स की जो फीस है वो आपकी वो 24,000 रुपये प्रतिवर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर ऐड किए गए और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके 2023 में कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर ऐड किए गए, जो कुछ नए कॉलेज भी यहाँ पर होंगे आपके। तो देखिए यहाँ पर कॉलेज के नाम सबसे पहले देख लेते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। यदि आप सैफई इटावा से भी मेरिट बेस एडमिशन लेना चाहते, जिन बच्चों का सीपी नेट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ या इनका कोई सीट अलाउड नहीं हुई और आप सैफई से कोर्स करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए एक दूसरा सुनहरा मौका है। आप इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर भी सीट्स ले सकते हैं। फॉर्म आपका UPUS वेबसाइट से नहीं भरेगा, ये फॉर्म आपका UPSM फैकल्टी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से जाकर ये एक ही फॉर्म भरेगा सभी के लिए। जितने भी कॉलेज यहाँ पर ऐड हैं, ऐसा नहीं कि सभी की वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरोगे, एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा जो जितने भी कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। अब यहाँ पर कॉलेज कौन कौन से हैं, तो एक आपका सैफई इटावा, मेरठ, आगरा, कन्नौज, उसके बाद लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद में कॉलेज है MLN कॉलेज, उसके बाद सहारनपुर, उसके बाद आपका शाहजहानपुर में है अम्बेडकर नगर कॉलेज, जालौन में आपका लखनऊ GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, अयोध्या, बदाऊं, बैराज, बांदा, उसके बाद बस्ती में, फतेहपुर में, फिरोजाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में है आपका कॉलेज, गाजीपुर में है, हरदोई में, जौनपुर में, मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में और सिद्धार्थ नगर में। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से 30 कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं, इन्हीं 30 कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा। जो भी सीट्स हमने आपको पीछे दिखाई हुई थी वो सभी सीट्स इन्हीं कॉलेज की हैं, अलग अलग कोर्स के लिए हैं, किसी में 4 कोर्स है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, इस प्रकार से अलग अलग कोर्स जो भी हमने दिखाए उधर वो सभी इन्हीं कॉलेजों से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहाँ से आपको करना सही रहेगा। तो देखो यहाँ पर आप कॉलेजों को रेटिंग मिलने लगी है। रेटिंग क्या है, तो जिन कॉलेजों को ए रेटिंग मिली हुई है वो आप समझ सकते हैं कि ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। जैसे यहाँ पर ए रेटिंग में जो कॉलेज है आपके वो आजमगढ़ का है, इटावा का कॉलेज सैफई, इसे ए रेटिंग मिली हुई है। जैसे मेरठ में जो कॉलेज इसे बी मिली हुई है, आगरा में इसे बी मिली, इसे बी मिली हुई है, कन्नौज में, लखनऊ का ये किंग जॉर्ज जो मेडिकल KGMU से यदि आप करना चाहते हो तो इसे भी बी रेटिंग मिली हुई है। लेकिन आगे आपके जो बाकी कॉलेज है किसी को सी मिली है और नीचे के जितने भी कॉलेज यहाँ दिए हुए हैं इनको कोई भी रेटिंग नहीं मिली। तो ये रेटिंग जो है वो बच्चों ने ही दी है और ये बच्चों के तब दी होगी इन्होंने जब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा कि कैसी सुविधाएं, कैसा यहाँ माहौल है, उसी के हिसाब से ये रेटिंग मिली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। कॉलेज वैसे सभी सही है पर देख के एक बार आप जरूर एडमिशन लीजिएगा। हमने आपको बता दिया जो ए रेटिंग वाले या बी या सी वाले हैं ये कहीं ना कहीं कॉलेज हमारे हिसाब से अच्छे हैं, तभी इनको ए या बी या सी रेटिंग मिली हुई है। तो समझ गए आप ये लिस्ट कहाँ आपको मिलेगी, तो ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी PDF हमने आपको दिखाई है ये सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें।
तो देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे पहुंच जाना, बाद सर्च करना उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जैसे ही आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, फॉर्म की, काउंसलिंग, एडमिशन, जो भी आगे आपकी अपडेट आएगी वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप भी इस वेबसाइट को चेक करते रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है और करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई हेयर फॉर CPSP 2023-24, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों दी हुई है। 16 सितंबर यानी कल से ये शाम से फॉर्म भरना शुरू हुए। हमने शाम को एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और हमने आपको बता दिया था टेलीग्राम चैनल पर। और उसी के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 27 सितंबर यहाँ पर। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है घर पर बना हुआ, तो आप बनने के लिए डाल दो, 2-3 दिन 4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा और आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर्म कैसे भरें, तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा ये लोड होगा और लोड होने के बाद पेज आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। जैसे ही नया पेज खुल के आता है तो आपको यहाँ पर एक बंद करने का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप बंद कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश दिए हुए जो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है कृपया सभी विवरण अपने 10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें। जो भी विवरण आप दें, अपना नाम, पापा का नाम, माता का नाम, जो भी दें, गांव, वो सभी 10th की मार्कशीट में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से वहाँ पर भरवाएं। यहाँ पर इस वेबसाइट पर जब आएंगे तो आपकी जो एज होनी चाहिए तो आपको देखने को मिल जाएगी कि कितनी एज वाले बच्चे फॉर्म इसका भर सकते हैं। तो जिनकी एज 17 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है वो सभी बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 31/12/2023 तक। 17 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या भरना है, उसको उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आपको भरना है वो सही से भरें, जिससे आगे की जानकारी आपको उस पर मैसेज के द्वारा कर दी जाए। और माता या पिता का नाम जो भी भरें उसमें श्री और सुश्री मत लगाइएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है अंतिम। और नाम के बाद आपको क्या करना है, नीचे चले आना, फिर आपको क्या करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखें क्योंकि उसी से सारा काम आगे होगा। काउंसलिंग में आज आप रजिस्ट्रेशन कराओगे या जो भी आगे एडमिशन कराओ तो उसी से आप देख सकते हो। तो यूजर आईडी और पासवर्ड अपना या साइबर कैफे से भराते हो तो वहाँ पर ले लें उनसे कि मुझे मेरी यूजर आईडी और पासवर्ड दो, जिससे आगे की जानकारी हम देखते रहें, चेक करते रहें वेबसाइट पर आकर। तो यूजर आईडी पासवर्ड करने के लिए आपको क्या करना, अपना नाम, नाम जो भी है जहाँ स्टार लगे हुए ये भरना अति आवश्यक है। और जहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है वहाँ यदि आप भर देते हो तो अच्छी बात है। मध्य का नाम, बीच का नाम, जो भी आपका या अंतिम नाम भर दे तो अच्छी बात है, और नहीं भरते तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके उसमें फॉर्म में मार्कशीट में दिया हुआ 10th की वो नाम आप इसमें दर्ज करें, ठीक है। और साथ ही साथ माता का नाम, पिता का नाम, और उसके बाद अपने अभ्यर्थी जन्म तिथि, जो DOB आपकी है वो DOB सही से भर दें यहाँ पर। और भरने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे दें, अपना मोबाइल नंबर दें, मोबाइल नंबर वही दें जो आपका एक्टिव हो। उसके बाद ईमेल आईडी पहले भरें, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी यहाँ पर भर दीजिए और अपना मोबाइल नंबर, दोनों ये भरने के बाद आपको OTP जनरेट कर देनी है। OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैप्चा भी अपना भर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप कैप्चा भरेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड और यूजर आईडी आ जाएगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको करनी है, तो हम आपको करके भी दिखा सकते थे लेकिन मेरे पास किसी का नहीं है, तो हम जो जिसे भरें तो आप अपना साइबर कैफे से भरवा सकते हैं, नहीं तो घर पे भी आप भर सकते हैं। साइबर कैफे के पास जाएंगे तो वो आराम से आपका फॉर्म भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी, कितने नंबर आपके होने चाहिए, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा आपके लिए करना, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आगे की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।